हरे कृष्णा। भगवद गीता की ऑडियो नंबर 127 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय। इस ऑडियो में हम स्टार्ट करेंगे दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। ना ही प्रपश्यामि मम अपनुध्यात यच्छोकम उच्छोक्षणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो असपत्नम शुद्धम राज्यम सुराणाम अपीच आधिपत्यम। सरला दिए श्री प्रभुपाद जी ने, श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन कह रहे हैं, मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन जी यहां ये कह रहे हैं कि भगवान, ये जो मेरी इंद्रियों को शोक हो रहा है, मतलब उनको जो मानसिक स्तर पर जो पीड़ा है, अगर आप मुझे युद्ध करवाते हो और मैं जीत जाता हूं और से पृथ्वी का राजा बन जाता हूं और एक ऐसा राजा भी बन जाता हूं जिसका कोई शत्रु नहीं है, निष्कंटक राज्य, या जैसे स्वर्ग में देवता लोग होते हैं वहां का राज्य मुझे प्राप्त हो जाए, इससे अच्छा तो इससे ऊपर तो कुछ नहीं होता ना। तो अर्जुन जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे कितना भी सफलता, भौतिक सफलता मिल जाए, लेकिन मेरा इंद्रियों का जो शोक है वो दूर नहीं होगा। अब खुद ही सोच के देखिए, एक सिचुएशन ऐसे मेरे दिमाग में आ रही है कि सपोज कोई आदमी हिल स्टेशन पे एंजॉय करने के लिए गया हुआ है और वहां उसको कोई बैड न्यूज मिलती है, कोई भी बैड न्यूज, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बैड न्यूज, या जब जहां वो गया है साथ में, माना सपोज किसी फ्रेंड के साथ गया, उससे झगड़ा हो जाता है, या अपने परिवार के किसी व्यक्ति से, पत्नी से, भाई से झगड़ा हो जाता है, तो जो सुंदर दृश्य है उसको 10 मिनट पहले तक बहुत इंजॉयबल लग रहे थे, वो सनसेट सनराइज देख रहा था, पेड़ पहाड़ हवा सब उसको अच्छा लग रहा था, वो अचानक सब बेकार लगने लगेंगे। क्या हुआ? क्या पहाड़ों की सुंदरता खत्म हो गई? क्या ठंडी हवा चलनी बंद हो गई? क्या फूलों की महक खत्म हो गई? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सोच, अभी तक उसका मूड अच्छा था तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, जैसा मैंने कहा अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई या किसी से झगड़ा हो गया तो वही चीज़ सब बेकार लगने लगती है, ऐसा लगता है छोड़ो सब वापस चलते हैं। यही देखा जाए तो हमारी स्थिति है, ये भौतिक चीज़ें टेम्परेरी हैं, कुछ समय कुछ क्षण तक अच्छी लगती हैं, फिर वही चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। इन चीज़ों से कुछ मिलता मिलाता नहीं है, हम इनके पीछे कितना भी भाग लें, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे हमें सुख मिलना, और भगवान खैर किसी का सुख रोकते नहीं है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख या दुख मिलते हैं, तो नहीं हो पाता। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर आर्थिक विकास और भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोक को दूर कर सकता, तो अर्जुन कभी ये नहीं कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। अब आप सोचो, और अर्जुन अगर ये बात कह रहा है तो इट मीन आज अगर कोई साधारण व्यक्ति कहे कि मेरे को स्वर्ग का राजा बन जाओ तब भी मैं वो नहीं हासिल करना चाहता या मुझे उससे कोई खुशी प्राप्त नहीं होगी, तो कोई आदमी मन में कह सकता है कि आपको स्वर्ग का राजा बना ही कौन रहा है। लेकिन अर्जुन इतने बड़े तपस्वी और बलवान थे कि वो अगर ठान लें तो वो स्वर्ग पर विजय भी प्राप्त कर सकते थे और धरती पर भी विजय प्राप्त कर सकते थे। तो अगर वो ये बात इमेजिन करके बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो मींस ही कैन अचीव दैट, बट ही इज फीलिंग कि मेरे को इतना मिलने के बावजूद भी मेरे को कोई फायदा नहीं है। यही चीज हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। हम कुछ भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें ये चीज समझनी होगी कि हम कुछ भी हासिल कर लें लेकिन अगर हमारा मन प्रसन्न नहीं है, और मन, सूक्ष्म शरीर, आध्यात्मिक शरीर, आत्मा, ये सब चीजें बेसिकली जो परमानेंट इनको खुशी मिलती है वो भक्ति से ही मिलेगी। आप कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी आप ट्राई कर लो इस चीज को, इसके अंदर जो परफेक्शन है ना, वो हमें तभी मिलेगी जब हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति से रिलेटेड सेवा कर रहे हैं। इस तरह से जो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने की अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि ऐसी योजनाएं सिकंदर, हिटलर, नेपोलियन, इन सब ने भी बताई, लेकिन सफल कहां हो पाए?
सफल नहीं हो पाए ना। इसीलिए अर्जुन इन सब चीजों को यूजलेस समझ रहा है और ठीक समझ रहा है। पृथ्वी ने भी श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में कहा कि विश्व को जीतने की अभिलाषा देख पृथ्वी हंसते हुए बोलती है कि प्राचीन काल में बड़े बड़े पुरुष और उनके वंशज मुझे छोड़कर चले गए, किंतु आज भी मूर्ख लोग मुझे जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्वयं पृथ्वी श्रीमद् भागवतम में कह रही हैं। तो हमारी भी स्थिति यही होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिसने पूरे पूरे देशों को, पूरे पूरे विश्व को विजय किया, आज वो भी सब छोड़ छाड़ के चले गए। उसके बजाय अगर आध्यात्मिक प्रगति पर ध्यान दिया होता तो शायद उसमें ज़्यादा सफलता मिलती। मैं यहाँ बीच में इस बात को टोक के जरूर बोलना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस ऑडियो को सुन के ये ना सोचे कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना बिजनेस छोड़ दें, आप अपनी जॉब छोड़ दें और आप सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाएं। नहीं, भक्त को किसी सीनियर डिवोटी गुरु महाराज के संरक्षण में, समर्पण में, संपर्क में रहते हुए इन चीज़ों को समझना होता है कि किसी एक पर्टिकुलर भक्त की लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसमें वो कैसे भक्ति पर ध्यान देकर आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करे। कोई एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है जो हर जगह लगाया जा सके, है ना। ध्रुव महाराज के भी उद्गार में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि 4th स्कंद में ध्रुव महाराज ने पहले तो सोचा था कि उनको बड़ा राज्य मिल जाए, उनकी जो सौतेली माता थी उन्होंने बोल दिया था कि तुम जो है चले जाओ और विष्णु की भक्ति करो और मेरे कोख से जन्म लो, तब तुम राजा बनोगे। तो फिर भगवान ने उनको 36,000 वर्ष तक निष्कंटक राज्य, जिस निष्कंटक राज्य की बात करें वो ध्रुव महाराज को मिला था, उनको वरदान दिया। लेकिन ध्रुव महाराज रादर प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वो समझ चुके थे अब भक्ति करके, वे लज्जित थे कि उन्होंने नाशवान वस्तुएँ क्यों मांगी, है ना। और वे विमाता से बदला लेने की सोच रहे थे और इसी लोक में सम्मानित पद ग्रहण करना चाह रहे थे, लेकिन जब उनके अंदर भक्ति का संचार हुआ तब वो समझ पाए कि ये सब चीज़ें यूजलेस हैं, जैसा कि स्वयं अब अर्जुन भी कह रहे हैं। वैसे पिछले श्लोक में ही उन्होंने जो है भगवान की शरण ग्रहण की थी, तो शायद उनको चुप ही हो जाना चाहिए था अब तो, लेकिन अभी भी वो थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, बस अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही करने वाले हैं अर्जुन जी अपना बोलना, और बस कुछ ही श्लोकों के बाद अब भगवान अपना ज्ञान देना शुरू करेंगे। और आप जो है भगवद गीता को अच्छे से समझने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में जरूर अपना लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।